हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रिंग थ्योरी के एक और न्यू टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्यूशेंट रिंग। मींस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यूशेंट रिंग क्या होते हैं, मींस ये कैसे बनते हैं, और उनसे साथ एक आध एग्जाम्पल देखेंगे जिससे थोड़ा सा और अच्छा क्लियरिफिकेशन मिल सके क्यूशेंट रिंग के बारे में। तो पहली चीज तो देखिए, यहां पर जो क्यूशेंट रिंग को समझने के लिए, या फिर हम ये कहें कि क्यूशेंट रिंग को का फॉर्मेशन करने के लिए कई सारे टॉपिक्स एक साथ आने वाले हैं, तो उनको हमें माइंड में रिमाइंड करना, मतलब रिमाइंड करके रखना बहुत जरूरी है। जैसे पहली चीज तो रिंग आएगी, तो हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज आएगी आइडियल्स ऑफ रिंग, वो भी हमारे माइंड में है, जस्ट इसके पहले का टॉपिक था। और उसके सिवा कुछ टॉपिक्स ग्रुप थ्योरी से आएंगे, जैसे सब ग्रुप की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत, और कोसेट्स, ये एक दो प्रॉपर्टीज आएंगी ग्रुप थ्योरी से। तो इन सब चीजों से मिलकर हम लोग अपना क्यूशेंट रिंग डिफाइन करेंगे, तो उनको भी एक बार माइंड में रिमाइंड कर लेंगे, या फिर अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, मतलब जैसे ही कोई टॉपिक आएगा उसके बारे में समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूशेंट रिंग को। तो देखिए, क्यूशेंट रिंग को हम लोग फैक्टर रिंग या रेसिड्यू क्लास ऑफ रिंग भी कहते हैं, ये भी अभी देखेंगे, लेकिन उसके पहले क्यूशेंट के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, जो वर्ड है क्यूशेंट, इसका मतलब होता है डिवाइडेड, मतलब कि भाग देना, और रेशियो, या फिर रेशियो मतलब क्यूशेंट रिंग ऐसी कोई भी रिंग जो कुछ चीज, मतलब किसी चीजों का रेशियो हो। तो हम लोग देखिए क्यूशेंट सेट भी पढ़ चुके हैं, वो सेट और उसके किसी एक इक्विवेलेंस क्लास का रेशियो होता था। क्यूशेंट ग्रुप भी पढ़ चुके हैं, जो कि ग्रुप और उसके एक नॉर्मल सब ग्रुप का रेशियो होता था। तो यहां पर क्यूशेंट रिंग किन किन चीजों का रेशियो होगा, तो क्यूशेंट रिंग होगा किसी रिंग और उसकी आइडियल का रेशियो, मतलब किसी भी रिंग को उसके आइडियल से डिवाइड किया जाएगा। तो अब आइए देखते हैं कि ये क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे पास एक रिंग होनी चाहिए और उस रिंग की एक आइडियल। तो मान लेते हैं कि हम लोग को कैपिटल आर एक कोई गिवन रिंग है और उस रिंग का कोई एक आइडियल है कैपिटल यस। अगर देखिए कैपिटल आर रिंग है, तो इसका क्या मतलब है कि कैपिटल आर जो है एडिशन ऑपरेशन के लिए एबिलियन ग्रुप होगा। प्रॉपर्टीज होती है रिंग की कि अगर कोई भी सेट आर नॉर्मल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए रिंग है, इसका मतलब कैपिटल आर एडिशन ऑपरेशन के लिए एबिलियन ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप है, और डिस्ट्रीब्यूशन राइट एंड लेफ्ट दोनों सेटिस्फाई करता है। अगर हम रिंग की कोई भी तीन एलिमेंट ले तो वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। तो ये मतलब होता है रिंग होने का, मतलब अगर कोई भी सेट आर रिंग है तो पहली चीज तो वो एडिशन ऑपरेशन के लिए एबिलियन ग्रुप होगी और बाकी भी दोनों प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए एस क्या है, एस हमारी रिंग का एक आइडियल है। तो अगर यस हमारी रिंग का एक आइडियल है तो आइडियल की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आइडियल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए नॉन इंप्लीट सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी एन आइडियल ऑफ आर इफ इट इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर। पहली प्रॉपर्टी यही थी कि एस अगर हमारी रिंग का आइडियल है, इसका मतलब यस एडिशन ऑपरेशन के लिए हमारी रिंग का सब ग्रुप होगा। बस हमें इसी प्रॉपर्टी से मतलब भी है, बाकी सेकंड प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं, तो उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो देखिए, हम लोग को एक रिंग दी थी आर और उसका एक आइडियल यस। तो हमें कॉन्क्लूजन क्या मिला कि आर का एक एडिटिव सब ग्रुप होगा एस। अब चलिए अपने सब ग्रुप की तरफ चलते हैं, या कहते हैं ग्रुप थ्योरी की तरफ। हमें एक ग्रुप मिल गया आर और उसका एक सब ग्रुप मिल गया एस। एडिटिव सब ग्रुप मतलब कि दोनों एडिशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप है आर और एस। अब देखिए, वहां पे हम लोग ने एक टॉपिक डिस्कस किया था ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप से रिलेटेड, जिसका नाम होता था कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप इन ग्रुप। तो वो क्या कहता था कि अगर हमारे पास कोई एक एडिटिव ग्रुप है
और उसका एक सब ग्रुप मिल जाए, तो इस सब ग्रुप में अगर हम लेफ्ट साइड से अपने ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करेंगे तो जो सेट मिलेगा, कोई सेट मिलेगा क्या मतलब है, जैसे मान लो यस होगा, ऐसे मान लेते हैं 1 2 3। अब इसमें हम लोग लेफ्ट साइड से कोई एलिमेंट जोड़ रहे हैं आर, तो मतलब लेफ्ट साइड से हर एक एलिमेंट में आर को ऐड कर दें, तो देखिए ऐसे ही कोई सेट मिलेगा। तो जो ये सेट मिलता है ये कहलाता है लेफ्ट कोसेट ऑफ एस इन आर, ठीक। और अगर कोई भी एलिमेंट हम अपने ग्रुप का राइट साइड से ऑपरेट करें, मतलब इसी यस में राइट साइड से हम कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करें, तो जो सेट मिलता है उसे कहते हैं राइट कोसेट ऑफ एस इन आर। ये हम लोग ने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है कि अगर यस हमारे ग्रुप का एक सब ग्रुप है तो उसके लेफ्ट साइड से हम अपने ग्रुप का कोई एलिमेंट ऑपरेट करें तो जो भी सेट मिलेगा वो हमारे सब ग्रुप का एक लेफ्ट कोसेट होगा, और राइट साइड से कोई एलिमेंट ऑपरेट करने से जो सेट मिलेगा वो हमारे ग्रुप का एक राइट कोसेट होगा। अब देखिए आर एक एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप का क्या मतलब है कि आर कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब देखिए s के एलिमेंट r में से ही हैं और हम r का ही एलिमेंट लेफ्ट या राइट से ऑपरेट कर रहे हैं, तो r प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस आर होगा, r प्लस टू इज इक्वल टू टू प्लस आर होगा, r प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस आर होगा कमोटेटिव प्रॉपर्टी से। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम अगर अपने आइडियल में चाहे लेफ्ट साइड से कोई भी एलिमेंट को ऐड करेंगे और चाहे तो राइट साइड से कोई भी एलिमेंट रिंग का ऐड करेंगे, जो सेट मिलेगा दोनों इक्वल होंगे। देख लीजिए यहां पे देखिए r प्लस वन, तो देखिए वही बात हुई ना, मतलब कहने का क्या है कि अगर हम अपने आइडियल का कोई भी राइट कोसेट निकाले या लेफ्ट कोसेट निकाले तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए, मतलब सेम एलिमेंट के लिए वो सेम ही आएगा। कहने का मतलब है सेम एलिमेंट के लिए सेम का मतलब, अगर मान लीजिए R है R1, R2, R3, R4 इस तरीके से है, और यस है कुछ इसी तरीके से S1, S2, S3 है ना, तो अब R1 प्लस S बराबर R1 सॉरी S प्लस R1 आएगा, तो मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल आएंगे। तो यहां पर देखिए इस चीज को बहुत ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। सारी बातें कहने के बाद हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि अगर R एक रिंग है और यस उसका एक आइडियल है तो उस आइडियल का लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए इक्वल होगा। कहने का बस इतना सा सेंस है कि लेफ्ट कोसेट की चाहे बारे में हम कोई बात कह दे वही राइट कोसेट के लिए भी हो जाएगी, और चाहे राइट कोसेट के लिए कह दी जाए तो लेफ्ट कोसेट के लिए हो जाएगी। तो हम लोग लेफ्ट कोसेट के लिए कह देते हैं। कोसेट्स में हम लोग ने एक चीज डिस्कस की थी कि जब भी हम अपने ग्रुप के किसी सब ग्रुप के कोसेट निकालते हैं, यज के कोसेट्स निकालते हैं, तो कुछ डिस्टिंक्ट कोसेट्स आते हैं और कुछ सिमिलर आ जाते हैं। अभी देखिए इसकी बात हम लोग करेंगे कैसे डिस्टिंक्ट और सिमिलर। तो जो डिस्टिंक्ट सब वो आते हैं, डिस्टिंक्ट कोसेट्स आते हैं, उन्हीं का सेट जो होता है वो कहलाता है R अपॉन S, मतलब कि क्यूसेंट सेट ऑफ रिंग R बाय आइडियल S। डिस्टिंक्ट कैसे फिर से समझते हैं, देखिए जैसे हमने ये रिंग सपोज की थी जिसमें है R1, R2, R3, R4, ये हम लोग का आइडियल है S1, S2, S3। अब इसमें मान लीजिए हमने R1 प्लस S निकाला, कुछ आएगा, फिर R2 प्लस S निकाला, कुछ आएगा, फिर R3 प्लस S निकाला, कुछ आया। अब हम लोग जब R4 प्लस S निकालते हैं तो ये हम देखते हैं फिर से हमारे R1 प्लस S के बराबर आ गया। R5 प्लस S निकालते हैं फिर R2 प्लस S के बराबर, R6 प्लस S निकालते हैं R3 प्लस S के बराबर, ऐसे ही ये प्रोसेस
कंटिन्यूअस होता चला जाता है। तो ऐसे केस में इन्हें हम लोग कहते हैं डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ रिंग। डिस्टिंक्ट कोसेट्स मतलब ये अलग अलग है और बाकी इन्हीं में से, चाहे हम आर वन प्लस एस कहें, आर फोर प्लस एस कहें या आर सेवन प्लस एस कहें। तो ऐसे केस में आर अपॉन एस में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे आर वन प्लस एस, आर वन टू प्लस एस, आर थ्री प्लस एस। ये हम लोग को देखिए एक सेट मिल गया। ये सेट कैसे मिला है फिर से एक कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। अगर हमारे पास एक रिंग है तो वो रिंग एडिशन ऑपरेशन के लिए एबिलियन ग्रुप होगी, और अगर उस रिंग का कोई भी एक आइडियल है एस तो वो हमारे रिंग का एक एडिटिव सब ग्रुप होगी। अब इस एडिटिव सब ग्रुप के हम लोग कोसेट्स निकालें, इस एडिटिव सब ग्रुप के कोसेट्स निकालें, तो जो मिलने वाले डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे वही जो सेट मिलकर बनाएंगे वही सेट कहलाएगा क्यूसेंट सेट ऑफ रिंग आर बाय आइडियल एस। इतनी बात हो गई, ये तो हमें एक सेट मिल गया। और अब अगर यही सेट जो ये आर अपॉन एस मिला है ये जो सेट बनता है ये अंडर एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास ऑफ रिंग, रेजिड्यू क्लास ऑफ रिंग जो किस तरीके से डिफाइन होता है कि एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी इज इक्वल टू एस प्लस ए प्लस बी, और दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का होता है, मल्टीप्लीकेशन का जो इस तरीके से डिफाइन होता है एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी इज इक्वल टू एस प्लस ए बी। इन दोनों ऑपरेशन के लिए ये जो सेट है ये सेल्फ भी एक रिंग होता है, ये सेल्फ भी रिंग होता है। तो यही जो रिंग बना इसे ही कहते हैं क्यूसेंट रिंग। फिर से एक बार देखते हैं, हमने क्या कहा, इफ कैपिटल आर बी ए रिंग एंड कैपिटल एस इज एन आइडियल ऑफ रिंग एस, देन एस इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ रिंग कैपिटल आर। ठीक, सिंस कैपिटल आर बी एन एबिलियन ग्रुप दैट मींस इट सेटिस्फाइड कमोटेटिव प्रॉपर्टी एंड इट इंप्लाइज दैट the left and right cosets of S are equal for corresponding element. Now, the set of right coset or left cosets, या फिर हम कह सकते हैं distinct left cosets or distinct right cosets is called quiescent set of R by S. And that set is also a ring with under addition of residue class and multiplication of residue classes, जो दोनों ऑपरेशन ये लिखे हैं। Hence this structure is called ring, sorry quiescent ring। कहने का क्या सेंस है कि अगर R एक रिंग है, कैपिटल S उसका आइडियल है, तो कैपिटल S R का एक एडिटिव सब ग्रुप होगा। इस एडिटिव सब ग्रुप के सभी करेस्पॉन्डिंग राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल होंगे, तो अलग अलग मिलने वाले लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट दोनों में से कोई, क्योंकि दोनों जब इक्वल ही हैं, तो कहने का कोई सेंस ही नहीं है। राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट का जो सेट होता है उसे कहते हैं क्यूसेंट सेट ऑफ आर बाई एस, और यही सेट अंडर एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लास जो कि इस तरीके से ऑपरेशन डिफाइन है, एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लास जो इस तरीके से ऑपरेशन डिफाइन है उनके लिए रिंग बनाता है, और यही रिंग कहलाती है क्यूसेंट रिंग ऑफ एस बाई आर। इतनी बात है क्यूसेंट रिंग के बारे में। देखिए यहां पे जो कुछ चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही होंगी वो ये होंगी कि ये रेसिड्यू क्लास कैसे कहलाते हैं। हमने हालांकि नहीं यूज किया लेकिन बुक्स में लिखा रहता है कि द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। तो देखिए रेसिड्यू क्लास का क्या मतलब है, रेसिड्यू का मतलब रिमेन पार्ट, रिमाइंडर। तो अब देखिए आपके पास एक बहुत भारी भरकम सी रिंग थी आर, और उसको सिर्फ इन तीन पार्टों में इस एस ने डिवाइड कर दिया, तो यही कहलाते हैं रिमाइंडर।
मतलब सिर्फ ये तीन पार्ट बचे, इसीलिए इसे कहते हैं रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। और हमने चूंकि यहां पे डिवाइडेशन किया है तो ये जो मिलते हैं इसी को फैक्टर रिंग भी कहा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं कि हमें इफ कैपिटल एस बी एन आइडियल ऑफ रिंग कैपिटल आर देन कैपिटल एस बी ए सब ग्रुप ऑफ आर सिंस आर बी एन एबेलियन ग्रुप hence r plus s is equals to s plus r for all r belongs to the r। यही कहना है कि अपने यस में हम कोई भी राइट साइड से एलिमेंट लेफ्ट साइड से रिंग का एलिमेंट ऑपरेट करे या राइट साइड से ऑपरेट करे वो सिमिलर आएंगे। इसी को हम लोग ने वहां पे कोसेट कहा था क्योंकि हम लोग कोसेट के बारे में पढ़ चुके हैं। हेंस आर प्लस एस इज इक्वल टू एस प्लस आर फॉर आर फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू द आर देन the set of all distinct cosets of S in R, ब्रैकेट में लिख लेंगे कि R plus S or S plus R then the set of all distinct cosets of S in R is denoted by R by S। ठीक, ये क्या कह रही है डेफिनेशन कि अगर हमारे पास S हमारे रिंग की एक आइडियल है तो फिर S रिंग का सब ग्रुप भी होगा एडिटिव सब ग्रुप और R एक एबेलियन ग्रुप है इसलिए S के सभी राइट और लेफ्ट कोशेट आपस में इक्वल होंगे। तो फिर इन्हीं डिस्टिंक्ट S सब ग्रुप के डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोशेट, अभी ये डिस्टिंक्ट वर्ड हम लोग को एग्जांपल में और अच्छे से क्लियर होगा, डिस्टिंक्ट कोशेट्स का जो सेट बनेगा उसे हम लोग R बाई S से डिनोट करते हैं और यही जो सेट होता है अंडर द ऑपरेशन एंड R by S is also a ring under first operation, ring के लिए दो operation चाहिए ना, under S plus A plus S plus B is equals to S plus A plus B and hence and S plus A into S plus B is equals to S plus AB, S plus AB also a ring. So this ring R upon S is called quocent ring or factor ring or ring of residue class। तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, आई थिंक ये जो हम लोग ने जो समझा था वही लिखा है कि R एक रिंग होगा या उसका आइडियल होगा तो आइडियल उसका एक सब ग्रुप होगा तो उस सब ग्रुप के सभी राइट और लेफ्ट कोसेट्स आपस में इक्वल होंगे। अगर लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल होंगे तो चाहे हम डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स का सेट बना लें या डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स का सेट बना लें तो वही जो सेट बनेगा वो
इन दोनों ऑपरेशंस के लिए। इसे कहते हैं एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, क्योंकि इन्हें हम लोग रेसिड्यू क्लास कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम लोगों ने समझा। और इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, मतलब इन दोनों ऑपरेशन के लिए ये खुद भी एक रिंग बनाएगा। तो इसी रिंग को कहते हैं क्यूसेंट रिंग या फैक्टर रिंग या रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में देखिए हम रिंग लेंगे इंटीजर्स की रिंग। इंटीजर्स की रिंग क्या होती है, z इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। और इसका एक आइडियल होता है 2z, मतलब 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, है ना। तो अगर ये आइडियल है तो मतलब हमारे इसका एक इंटीजर्स का एक एडिटिव सब ग्रुप भी होगा। अब आइए इसके कोसेट्स निकालते हैं। तो कोसेट्स की डेफिनेशन क्या कहती है, हम अपने z का कोई भी एलिमेंट इसके लेफ्ट से ऑपरेट करें और चाहे राइट से करें। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, लेकिन हम लोग ने रिंग की कंडीशन में देख लिया है कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल ही होता है। तो हम कोई एक निकाल लेते हैं, हम लेफ्ट निकालते हैं। तो लेफ्ट देखिए 0 प्लस 2z, मतलब इसके सभी एलिमेंट में 0 आप लेफ्ट साइड से ऐड कर दीजिए, या नॉर्मल यहां कह सकते हैं कि 0 ऐड कर दीजिए। देखिए कोई चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 ऐसे ही आ जाएगा। इसको हम लोग टू जेड भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए 1 है, 1 को ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 2z। तो देखिए ये सेट इस तरह लिखा है 0 प्लस माइनस 2, इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2z इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6। देखिए वही सेट लिखा है तो हम लोग ने प्लस माइनस किया था, उन्हीं को अलग अलग कर लिया है। तो देखिए क्या सेट बनेगा, बनेगा माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 0 में मतलब ऐड हुआ 1 3 5 एंड सो ऑन, ये बना 1 प्लस 2z। अब देखिए अब अगला एलिमेंट ऐड करना है 2, 2 प्लस 2z कीजिए, 0 में 2 ऐड हुआ 2 प्लस माइनस 0 में ऐड होगा तो 0 और 4, इसी तरीके से आगे ऐड करेंगे तो आगे 2 ऐड करेंगे तो माइनस 2 6 आगे ऐड करेंगे। तो देखिए यहां पे फिर वही इवन नंबर ही मिलते चले जाएंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 ऐसे ही नंबर मिलते चले जाएंगे। तो मतलब ये खुद भी 2z के ही इक्वल आएगा। इसी तरीके से 3 प्लस 2z निकालिए, आप इसे निकाल के देख सकते हैं यही आएगा, सिमिलर यही आएगा। और जब 3 प्लस 2z निकालेंगे तो वो आएगा ये ऊपर वाला माइनस 1। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सिर्फ दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स आए, कौन कौन से, 0 प्लस 2z और 1 प्लस 2z। बाकी जो आगे आने वाले हैं 2 प्लस 2z आएगा 0 प्लस 2z के इक्वल, 3 प्लस 2z आएगा 1 प्लस 2z के इक्वल, 4 प्लस 2z आएगा 0 प्लस 2z के इक्वल। मतलब सिर्फ दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, तो इन्हीं दोनों का जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, z अपॉन 2z। क्या क्या बना, 2z एंड 1 प्लस 2z। अब ये एक सेट मिल गया। अब हमने आगे कहा कि ये जो सेट होता है ये ऑपरेशन किस किस ऑपरेशन के लिए, ये जो सेट बन गया ये कहलाएगा z अपॉन 2z का सेट। अब इसको एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस क्या कहती है कि s प्लस a प्लस s प्लस b, तो s प्लस a का मतलब एक ये है एक ये, ये। अब इन दोनों एलिमेंट्स को इस ऑपरेशन के लिए, इस ऑपरेशन को हम लोग यूज कैसे करेंगे ये देख लीजिए, बाकी आप चेक खुद कर सकते हैं रिंग है कि नहीं। जैसे हमें s प्लस a करना है, s प्लस a ये है हम लोग का 2z प्लस 0 और ये है 2z प्लस 1। अब इन दोनों को जोड़ना है 2z प्लस 0 प्लस 2z प्लस 1, तो इक्वल काहे के होगा ये 2z
प्लस जीरो प्लस वन मतलब टू जेड प्लस वन, ये कहता है वो एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। तो इस ऑपरेशन और अगर मल्टीप्लाई करना है टू जेड मल्टीप्लाइड विद टू जेड प्लस वन तो क्या आएगा, टू जेड इंटू जीरो प्लस वन मतलब टू जेड। ये है वो ऑपरेशंस जिनके लिए ये सेट हमारा रिंग होगा, तो यही सेट कहलाएगा क्यूशेंट रिंग। इतनी सी बात थी क्यूशेंट रिंग के बारे में, हालांकि इतनी सिंपल या फिर इतनी इजी डेफिनेशन नहीं है, और यहां पे कुछ चीजें आपको खुद से देखनी है, जैसे कि हमने 0 प्लस 2z और 1 प्लस 2z तो निकाला है, लेकिन 2 प्लस 2z को थोड़ा बहुत निकाला है, लेकिन बाकी हमने कहा आप निकाल के देख लीजिए यही आ जाएगा, 3 प्लस 2z ये आ जाएगा, 4 प्लस 2z फिर यही आ जाएगा, मतलब आगे आने वाले जो कोसेट्स होंगे वो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होंगे। और दूसरी चीज क्या आपको खुद चेक करनी है, दूसरी चीज ये चेक करनी है कि इन ऑपरेशंस के लिए ये रिंग है या नहीं है, तो ये दो चीजें आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये बात होती है क्यूसेंट रिंग के बारे में, जो लगभग लगभग आपको 80% आ गया होगा, बाकी 20% आप थोड़ा बहुत इस पे वर्क कर लीजिएगा तो आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।